हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब ठीक ठाक होंगे। नए वीडियो में आपको वेलकम कहते हैं। आज की वीडियो का टाइटल है उस्मान एंड मारिया लव स्टोरी ग्रीस यूरोप। मुझे लगता है कि ये कोई भाई साहब हैं जो ग्रीस में रहते थे और इनकी किसी लोकल लड़की मारिया के साथ आती हुई है। मैंने थोड़ा सा इसका क्लिप देखा है, लेकिन उसमें ऐसे लगा जैसे ये लड़की पंजाबी बोलती है। तो लेट्स वॉच द वीडियो और देखते हैं आगे क्या होता है। मतलब कि मैं सुबह काम से जाना, इहदा काम घर का ख्याल रखना, रोटी भी सफाई परस्ते हर चीज़ इहदे विच, कपड़े धुप्पे लभने, जुत्ती साफ सुथरा, हर चीज़ होनी है। सुता या ना करवे, रोवा या ना करवे, प्यार कर दिया। बड़ी साफ पंजाबी बोलती है। कदों पाकिस्तानी लिबास किवें शौक पैदा होया कि मैं कपड़े पावां? क्यों अच्छे लगते टिकटॉक ते देखना है, फिल्म ते देखना है, ते मेनू अच्छे लगते है, ते मेनू इंटरेस्टिंग चाहिए मैं कपड़े पाकिस्तानी पाने। माशाल्लाह, वो कह रहे हैं आई लव यू। जी मेरी 28 साल उम्र जी। 28 साल उम्र, माशाल्लाह। रातां कट के नहीं, मिनट भी बाद के। हां जी, मतलब के रात निकाल के पूछा कितनी है जी? 28 साल। सर इनां दी कोई खूबी? इनां दी खूबी, इन्हां दी सारियां खूबियां ने, कमियां केड़ियां? अम्मा मेरी भी यही आंदी, पुत्रा साडी आ कमाई है सारा कुछ। अलहमदुलिल्लाह पिछे भी निजाम ठीक है, शुक्र अलहमदुलिल्लाह, कोई ऐसी मुश्किल नहीं है। लेकिन साडी मेन कमाई जी 13 सालां दी है। बच्चा जी दिल नहीं करदा यार, 13 साल हो गए नु घर दे जाके ईद करिए। बिल्कुल जी दिल करदा, क्यों नहीं, मेरी 26 ईदां इत्थे हो गईयां, 25 तो 26 ईदां मैं इत्थे जीनां च गुजार चुका हूं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली शेर और आप देख रहे हैं पंजाब ब्यूरो टीवी। तमाम अहले इस्लाम को ईद मुबारक। यकीनन उस्मान और मारिया को आप जानते होंगे, मैंने पहले भी इनका इंटरव्यू किया हुआ है, तो आज ईद के हवाले से स्पेशल इंटरव्यू हम इनका करने आए हैं बड़ी दूर से। और आप देख रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तानी लिबास पहना हुआ है। बाकी लोगों को आप लोगों को बता सकें कि यहाँ पे ग्रीस में, यूरोप में ये ईद अपनी कैसे सेलिब्रेट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सबसे सब तो पहला तो जी ईद मुबारक। चौकी चौकी खैर मुबारक, थानू ईद मुबारक। खैर मुबारक, ईद मुबारक। माशाल्लाह। अच्छा, एक साल पहला असा तुहाडा इंटरव्यू किया सी जी, बिल्कुल ठीक है जी। एक साल च की तब्दीली आई है? एक साल च बहुत ज्यादा तब्दीली आई है। नंबर एक, मारियां नु सारे खाने पकाने आ गए। अच्छा जी। नंबर दो, इज्जत या पाकिस्तानी कल्चर नु बहुत ज्यादा अपना चुकी है। अच्छा, मारिया केड़े-केड़े खाने बना लेंदे हो? गोश्त, बिरयानी, रोटी, सब कुछ। सब कुछ। अच्छा दसो, पाकिस्तान केड़ा इलाका तुहाडा? अपना है जी जिला गुजरांवाला, गांव काले वाला। माशाल्लाह। आप बुल्गारिया? बुल्गारिया। हां हो गया। और कितनी देर तो सर ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਨੂੰ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 2.5 ਸਾਲ? 2.5 ਸਾਲ। 2.5 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇਹ 11 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਆਹੋ। ਔਰ ਉਸਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ 13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੇ ਲਈ ਜੋ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਨਕੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ तमाम ਤਫਸੀਲ ਆਪ ਇਨਕੇ ਪਹਿਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੇ ਦੇਖ ਸਕਤੇ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਹਮ ਆਜ ਈਦ ਕਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੋ ਹਮਾਰਾ ਟੌਪਿਕ ਥੋੜਾ ਹਟ ਕੇ ਹੋਗਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਈਦ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਈਦ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਘਰ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੰਟਰੀ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਖਾਣੇ ਮਾਣੇ ਘਰ ਬਣਾਈਦਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਦੋਸਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਬਸ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਛੜਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਗਏ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, 2.5 ਸਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਗਏ ਹੋ? ਹਾਂ, ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਗਏ। ਸਹੀ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਉਸਮਾਨ, 13 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਰੀ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਐਸਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਲਚਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਲਚਰ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਦ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲਿਬਾਸ, ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਈਦ ਜੋ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਿਉਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੋਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੜੀ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਸਾਰਾ ਈਦ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੋਨਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋ ਡਰਾਮੇ, ਕੁਝ ਫਿਲਮਾਂ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਵੇਂਦੇ ਹੋ? ਆਹੋ, ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ, ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਂ, ਕੋਈ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਂਦੇ ਹੋ? ਮੁਹੰਮਦ, ਖੁਦਾ ਮੁਹੱਬਤ। ਖੁਦਾ ਮੁਹੰਮਦ, ਖੁਦਾ ਮੁਹੱਬਤ। ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰਟ ਹੋ? ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰਟ ਹੈ? ਸੁਤਾ ਯਾ ਨਾ ਕਰਵੇ, ਰਵਾ ਯਾ ਨਾ ਕਰਵੇ, ਪਿਆਰ ਕਰ ਦਿਆ।
क्या बात है जी सर, ये जरा ट्रांसलेशन कर दे। हां जी, सताया ना करवे, रोया ना करवे, प्यार कर दिया तू गालां लाया ता करवे। ते ए वो तानू नाल लामा भी देन दई है। अच्छा जी, हुन लामे दे गल आ गई। पहले तो आंदे ही तुहाडे बगैर रह नहीं सकदे, तुहानू लामे भी देंदे फिर लाइफ है। ढाईया सालां च बिल्कुल ठीक ठीक दसना, किन्नी दफा लड़ाई हुई है उस्मान नाल? हां, एक दो बार। तुसी कहन दा जे 5-6 ही होई है। ओ कोनी नहीं फिर ए लड़ाई समझदी, वड्डी लड़ाई छोटियां लड़ाइयां मैं मिक्स करके तुहानू दसियां टोटल। अच्छा जी, हां सही, लड़ाइयां हर जगह होती हैं। तो केड़ी एक आदत है जेड़ी तुहानू लगदा है कि उस्मान च बड़ी चंगी है? अच्छी आदत है पूछना तो पाकिस्तानी का ти му виена диксеро познато по пакистан без малиника е кало се на просехте когенято скеви ја тикогенято ки прота ексо скеви пусто познато по пеле сочна апни фамили пеле апни фамили баре сојда хјал карда апни фамили да ठीक है फिर मसलन के अपने घर नु रिस्पेक्ट देंदा है। ये ट्रांसलेट कर रहे हैं जी, उन्होंने कहा है कि ये एक जुम्मेदार हस्बैंड है, यानी कि अपने घर को सबसे पहले अहमियत देते हैं, अपनी फैमिली को अहमियत देते हैं, ये एक अच्छी चीज़ है, आवारा गर्दी नहीं करते, मेहनती हैं, ये कहने का मतलब है आपका। ठीक हो गया सर, इन्हें देखो खूबी, इन्हें देखो खूबी, इन्हें दी सारियां खूबियां ने कमियां कह रही हैं। खूबी इन्हें दी यही है ठीक है भाई, घर नू घर समझदी है, आस्ता आस्ता जिस तरह पहले वाला मुल नहीं है हुण घर नू आस्ता आस्ता घरेलू निजाम समझन लग पई है। हुण मतलब कि मैं सुबह काम ते जाना, इहदा काम घर दा ख्याल रखना, रोटी भी सफाई परस्ते हर चीज़ इहदे विच, कपड़े धुप्पे लभने, जुत्ती साफ सुथरा हर चीज़ होनी है ठीक है। फिर साडा भी हक बनदा है जिहड़ा तुहाडे नाल तुहाडा जीवन साथी उहदा ख्याल करो ठीक है। माँ प्यो दा हक है, भैन भरावां दा हक है, लेकिन जिहड़ी बीवी जां तुहाडे नाल कोई साथी उहदा भी हक है, हार नू ओदी जगह ते रखो। वैसे बड़ी बड़ी गल है, तुसीं कह रहे हो कि जिवें बिल्कुल साड्या पाकिस्तान माहौल है ना, कि जिहड़ियां औरतां दीआं जिम्मेदारियां ने ओह ना अडोप्ट कर लईआं ने ठीक है, तुसीं जिहड़ा अपना बाहर दे फराइज़ पूरे करन डए हो। मारिए तुहानूं इह सिस्टम कैसा लगदा है कि औरत जिहड़ी ओह घर रहि के इंज, यानी तुसीं इहनां दे यूरोप च अमूमन बहुत कम वेख्या जांदा है कि औरतां जिहड़ियां ने ओह खाना भी बना के देण या कपड़े भी इस्त्री करके देण या सारा कुछ, ते तुहानूं शुरू शुरू च मुश्किल नहीं लगा? नहीं नहीं, थोड़ी बहुत थोड़ी मुश्किल, नो उन ठीक है, कोई मसला नहीं है, उन सारा ठीक। तुसी खुश हो जिवें इस टाइम तुहाडी जिंदगी गुजर रही है उस्मान दे नाल, खुश हो मुतमिन हो? हाँ बहुत खुश है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये जी नज़र भी आ रहा है। अच्छा तो नेक्स्ट जो ईद होगी आपकी, वो इंशाल्लाह पाकिस्तान होगी? इंशाल्लाह कोशिश करांगे पाकिस्तान होवे, क्योंकि साडा ये ईद दे दिन ही काम तो ज़्यादा शुरू हो जाता है, फिर थोड़ी जी मुश्किलात होंदी है समझ लई, तो काम का मसला बनता है, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान लाजमी जावांगे, अद्धे रोज़े कोशिश करांगे इंशाल्लाह, उत्थे गुजार के आवांगे, फिर ईद ते फिर जिते अल्लाह ने मंजूर होया। यकीनन तुहाडे नॉलेज च इजाफा होयागा, और इस वीडियो नूं बनाउण दा मकसद भी ये सी कि पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी फैमिलीज़ जिहड़ियां ने बाहर जिन्हां शादियां कीतियां ने वो किवें रहिंदे ने, और यकीनन ये बड़ी मज़ेदार वीडियो सी, तुहाडे नॉलेज च इजाफा भी होया होगा। इस नाल मैनूं इजाजत दिओ, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अच्छा जी, ये वीडियो मैं पहली दफ़े देख रहा, मैंने पहला पार्ट कोई नहीं देखा, लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ थी वो ये थी कि मारिया जो है वो बड़ी ज़बरदस्त पंजाबी समझ भी रही थी और बोल भी रही थी। समटाइम ऐसे होता है कि जब आप फॉरेन लैंग्वेज सीखते हो तो आप बोल तो लेते हो लेकिन समटाइम आपको समझने में प्रॉब्लम आती है, समटाइम आप समझ लेते हो आपको बोलने में प्रॉब्लम आती है। लेकिन इनके केस के अंदर ये बड़ी रवानी के साथ पंजाबी बोल रही थी, एंड हैप्पी टू सी के बोथ आर वेरी हैप्पी, उनकी एक खुशगवार जिंदगी चल रही है, अल्लाह ताला उनको और खुशियाँ दे। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, बहुत जल्द नई वीडियो के साथ आएंगे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।